नमस्कार, मैं हूं विद्या सागर। स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में। पाकिस्तान अक्सर आतंकवाद को निपटाने की बात करता है, लेकिन सभी जानते हैं कि सच्चाई क्या है। पाकिस्तान जितनी बातें आतंकवाद को मिटाने की करता है, उतना ही वह खुद आतंकवाद के निशाने पर रहता है। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में साल 2021 में आतंकवादी हमले बढ़े हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पाकिस्तान को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय का कहना है कि यहाँ टीटीपी यानी तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान का नेटवर्क इतना मजबूत हो गया है कि अब वह पाक सरकार को ही वहां से खदेड़ने की फिराक में है। पोलियो की दवा पिलाने जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाले कर्मचारियों की यहाँ आए दिन हत्याएं होती रही हैं। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान यहाँ से पाकिस्तान की सरकार को खदेड़ना चाहता है और शरिया कानून लागू करना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी है, जो लगातार हमले कर रहे हैं। टीटीपी अलकायदा की विचारधारा को मानता है और उसके नौजवानों को अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में पनाह दिलाया है। इस तरह तालिबान ने अलकायदा के ग्लोबल टेरर नेटवर्क तक अपनी पहुंच बना ली है। इसके अलावा उनसे आतंकवाद फैलाने के लिए नई तरीके भी यह दहशतगर्द संगठन सीख रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट में पाकिस्तान की चिंता बढ़ाने वाली कई बातें कही गई है। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी संघर्ष छेड़े हुए हैं। हाल ही में कराची जैसे शहर में कई आतंकी हमले हुए थे, जिनमें संगठन का हाथ था। इसके अलावा इस्लामिक स्टेट खुरासान ग्रुप भी पाकिस्तान में हमले कर रहा है। साल 2021 में पाकिस्तान में जमकर आतंकवादी हमले हुए हैं। एक तरफ अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, तो वहीं आतंकी हमलों से संकट और बढ़ गया है। पाकिस्तान लगातार दावे कर रहा है कि उसने आतंकवाद से निपटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट पाकिस्तान की पोल खोल रही है। बीते महीने एक अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि टीटीपी को अफगान तालिबान से समर्थन मिल रहा है। यही नहीं, यह समर्थन फिलहाल खत्म होने वाला नहीं और आगे भी जारी रहेगा। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस ने कहा था कि पाकिस्तान में आर्थिक संकट और अफगानिस्तान में तालिबान राज के बीच तहरीक ए तालिबान को पाकिस्तान में खुद को मजबूत करने का मौका मिला है। अब वह पहले से कहीं बड़े खतरे के तौर पर सामने है। बहरहाल, पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करे या ना करे, लेकिन आतंकवाद ने पाकिस्तान को जरूर खत्म कर दिया है। साथ ही आतंकवाद को लेकर अमेरिका की रिपोर्ट ने पाक की मुश्किलें और बढ़ा दी। अब देखना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान का आखिर क्या अंजाम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज़।